गैजेट 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने वाले एक नया स्मार्टफोन, अब इसका नाम है Realme X2 Pro। अब ये Realme X2 Pro एक फ्लैगशिप फोन है जो OnePlus 7T को टक्कर देना चाहता है। चलिए देखते हैं इसके बॉक्स में क्या है। हमारे Realme X2 Pro के अनबॉक्सिंग को देखने से पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी हम नए वीडियोस पब्लिश करते हैं। शुरू करते हैं Realme X2 Pro की अनबॉक्सिंग। ये है इसकी रिटेल पैकेजिंग। बॉक्स के सामने फोन दिख रहा है आपको। पिछले हिस्से में कुछ और फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। बॉक्स के बारे में और कोई ज्यादा खास चीज तो नहीं दिख रही है, तो चलिए हम इसे खोल कर देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पर इसने लिखा है वेलकम टू द Realme फैमिली। कुछ कागजात हैं इसमें जिसमें वारंटी, क्विक स्टार्ट गाइड इत्यादि हैं। और ये सिलिकॉन केस है स्मार्टफोन के लिए। और ये है Realme X2 Pro। हमारे पास नेपट्यून ब्लू कलर आया है इसका, एक और लूनर व्हाइट कलर भी होगा इसका। चलिए इसे बगल में रख के देखते हैं बॉक्स में और क्या है। USB टाइप सी केबल है इसमें, सिम इजेक्ट टूल भी है, सुपर बुक चार्जर भी है इसमें। Realme X2 Pro में कुछ ज्यादा ही खतरनाक 50 वॉट का चार्जर है, सुपर बुक चार्जर का नाम दिया है। Realme का कहना है कि 0 से 100% तक ये स्मार्टफोन को चार्ज कर सकता है 35 मिनट में। अभी तक हमने टेस्ट तो नहीं किया है, टेस्ट करने के बाद आपको बताएंगे कि ये सच है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी Realme X2 Pro के बॉक्स में। इसे बगल में रखते हैं और फोन पर पहली नज़र लेते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये नेपट्यून ब्लू कलर वेरिएंट है Realme X2 Pro का। अब देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। इस पर जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसमें हमें ये दिखाई देता है कि कुछ एंगल्स पर लाइट ब्लू दिखाई देता है ये, और कुछ एंगल्स पर ऑलमोस्ट ब्लैक कलर आ जाता है इसमें। इस फोन के पिछले हिस्से में और आगे गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है। चलिए फोन के बाकी हिस्सों में क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं जब तक ये बूट होते रहेगा। पावर बटन यहाँ पर है, थोड़ा सा गोल्ड कलर दिया है, हमने ये Realme XT में भी देखा था। वॉल्यूम बटन्स दूसरी तरफ हैं। ऊपरी हिस्से में सिर्फ एक माइक्रोफोन है, निचले हिस्से में हेडफोन जैक है, USB टाइप सी पोर्ट है और स्पीकर भी है। अब Realme X2 Pro में स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, जिसका मतलब यह है कि जो बेस पर स्पीकर है और ईयरपीस, ये दोनों चीज़ें मिलकर एक स्टीरियो साउंड इफेक्ट देते हैं। साइड पर मैट फिनिश दी गई है जिसके कारण इसे साफ रखना काफ़ी आसान है। ग्लॉसी फिनिश पर काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट मार्क्स वगैरह आ जाते हैं जल्दी। पिछले हिस्से में Realme का लोगो है जो अलग जगह पर रखा है इसने। मुझे तो इतनी पसंद नहीं आई इस लोगो की पोजिशनिंग, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है लोगो कहाँ पर भी हो। पिछले हिस्से पर AI कैमरा भी लिखा गया है जो हमने Realme XT में भी देखा था। क्वाड कैमरा सेटअप है इस स्मार्टफोन में भी। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो हमने Realme XT में भी देखा था। 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा है इसमें। अब ये सुपर मैक्रो कैमरा का काम भी करता है। 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। अब इसमें 2x ऑप्टिकल जूम आप कर सकते हैं और 5x हाइब्रिड जूम। अगर डिजिटल जूम की बात करें तो 20x तक है सपोर्ट इसमें। इसमें एक डेप्थ कैमरा भी है। इस फोन में मैक्रो कैमरा नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी दुख की बात नहीं है क्योंकि हमें इतना पसंद नहीं आया था जब हमने Realme XT में देखा था। लेकिन रिव्यू करने के बाद ही पता चलेगा कि इसके 4 कैमरे कैसे हैं। तो चलिए सेटअप कर लेते हैं Realme X2 Pro को और देखते हैं इसमें क्या है। और इसके डिस्प्ले का डिज़ाइन हमें काफ़ी पसंद आया। काफ़ी चौड़ा है ये, बेजल्स इसके पतले हैं और डिस्प्ले को देखने के बाद में हमें OnePlus 7T की याद आती है। काफ़ी अच्छा है इसका डिस्प्ले दिखने में भी। इसका नॉच भी काफ़ी छोटा है और डिस्प्ले के कोने में जो कर्व्स हैं वो भी ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है। इसमें स्क्रीन स्पेस बढ़ गई है, बेजल स्पेस कम हो गई है, जो अच्छी बात है। 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले है। सुपर एमोलेड भी है ये, पहले भी बोल दिया था हमने। इसमें गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इस डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। OnePlus 7T में भी देखा था हमने और अभी Realme X2 Pro में भी आ चुका है।
डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर आप 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज के बीच में चुन सकते हैं। चलिए स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। ये रियलमी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। अब बाकी फ्लैगशिप फोन्स की तरह इसमें भी स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिप का इस्तेमाल किया गया है, जो एंड्रॉयड की दुनिया में अभी सबसे ताकतवर चिप है। दो वेरिएंट में उपलब्ध होगा रियलमी X2 प्रो। 8GB रैम 128GB स्टोरेज एक वेरिएंट होगा और 12GB रैम 256GB स्टोरेज दूसरा वेरिएंट होगा। भारत में आने वाले वेरिएंट्स में UFS 3.0 स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए सिम ट्रे खोलकर देखते हैं कि स्टोरेज एक्सपेंडेबल है कि नहीं। यहाँ पर सिर्फ दो नैनो सिम के स्लॉट्स दिए गए हैं, एक्सपेंडेबल स्टोरेज के लिए अलग स्लॉट नहीं है। बेस वेरिएंट में जब 128GB स्टोरेज दी गई है तो एक्सपेंडेबल स्टोरेज की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। 4000 mAh की बैटरी है इस स्मार्टफोन में। जैसा पहले कहा था हमने कि इसमें 50W सुपरबुक फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है और रियलमी ने कहा है कि 35 मिनट में पूरी तरह से चार्ज कर सकता है, लेकिन टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये सच है या नहीं। नॉच में 16MP का सेल्फी कैमरा है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, इसमें ColorOS 6.1 का इस्तेमाल किया गया है, जो Android 9 Pie पर आधारित है। अभी तक ColorOS 7 इस स्मार्टफोन पर नहीं है, जब आ जाएगी तब हम आपको ज़रूर बताएंगे कि वो आ चुकी है। डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल्स इस स्मार्टफोन पर है। एक डार्क मोड भी है इस फोन में। चलिए ढूंढते हैं इसको सेटिंग्स में। लैब सेक्शन में दिया गया है वो, क्योंकि ये फीचर अभी भी बीटा में है, तो आप डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं इस स्मार्टफोन में और वो दिखने में काफ़ी अच्छा है। इस स्मार्टफोन में NFC है और भारत में रियलमी ने गूगल पे का सपोर्ट भी ऐड किया है। इसके स्टीरियो स्पीकर्स में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो मूवीज़ देखते समय या फिर वीडियोज़ देखते समय काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। तो ये थी हमारी पहली नज़र Realme X2 Pro पर। आपको कैसा लगा ये वीडियो? इस स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो gadgets.ndtv.com/hindi पर ज़रूर जाएं।